नमस्ते जी, नमस्ते मंडल गाय जल गाने। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत हसीन वादियों में एक बार फिर से। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है सुरेश और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचल लाइफ। मैं हिमाचल प्रदेश की इन खूबसूरत हसीन वादियों से बिलोंग करता हूं। आज मैं जा रहा हूं अपने जो मेरे दूर पार वाले खेत हैं घर से, वहां जा रहा हूं अभी। और आज ना तो धान का काम है ना तो गेहूं का काम है, इस तरह का कोई भी काम नहीं है आज। आज हम कुछ और काम करेंगे और वो वहाँ जाकर मैं आपको बता दूँगा कि हम क्या काम करेंगे आज। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो बात अगर हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों की हो तो पिछले कल की छोटी सी वीडियो है जो बारिश के बाद की है, शाम के टाइम की, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत हसीन वादियाँ कैसी दिखती हैं। तो वो वाली वीडियो देखो आप, छोटी सी क्लिप है। अभी शाम के टाइम का 4:45 का व्यू अपने घर के सामने से, और सुबह से बारिश हो रही है और काफ़ी शानदार व्यू है। अभी ये पहाड़ों पे इस तरह से धुंध छाई हुई है, धुंध बोल लो या बादल बोल लो, इस तरह से हैं पूरे लगे हुए अभी, और आसमान में पूरा बादल ही बादल छाए हुए हैं। और ये है व्यू हरा भरा और ये पूरा वाइट वाइट सा। ये क्या मन लगाने है? अच्छा 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 ठीक ठाक है। नमस्ते जी, नमस्ते मंडल गाय जल गाने आऊंगा जी। हाँ जाना क्या आने, बढ़िया जगह है। लगाए थे पहले पहले, अब तक कोई लगा दे सी, मेहनत हुई बड़ी बार ना, फिर इतनी मेहनत कर दे था लोग आजकल। हाँ से आंदा होना तो फिर से ये चुनने पवा से निकालना कल कल, फिर से निकालने नहीं पाता है घास थोड़ा थोड़ा करने, ताली लगी जाना ना संद फुल, ताली सारा कला कला चुनने पौना, निकालने पौना, फिर ये जुकने जाकने बड़ा भारी करने पवा क्या क्या। हाँ जी हाँ जी, इतना नहीं करना चाहते कोई भी अकेले ना। हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है, करा उसे ना। महंगा तो बड़ा भारी है जी, 100-150 रुपये किलो बिकना, 100-150 रुपये किलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लगावा तो फिर हाथ से भी लाई जाएंगे ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है, लगाई लो उसे फिर। हाँ देखें वाला से आंदा पहुँच गया मैं अपने घर पे। यहाँ पे जो हमारा एक कमरा है और जो हमारी सारी धान वाली जमीन है वो इसी कमरे के आसपास है, तो वहाँ पहुँच गया हूँ अभी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आज का मेरा क्या काम है और हम इस काम के लिए हैं यहाँ पे। जो धान गेहूँ का वो काम तो है नहीं, कुछ और काम हम करेंगे, तो वो सब आपको बताता हूँ कि क्या काम है और क्या करना है। बाकी इस कमरे की पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। बाकी आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या काम करना है आज। इस काम के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, वो ये काम है। ये हैं 6 लीची के बूटे और कुछ नींबू के पौधे हैं। ये जो नींबू के पौधे हैं ये तो मैं घर लेके जाऊंगा, लेकिन ये जो लीची के बूटे हैं पौधे हैं ये मैं यहीं पे लगाऊंगा, 2-3 लगा दूंगा यहाँ पे और 2-3 लगाऊंगा यहाँ नीचे वाले अपने खेत है वहाँ पे। ये एक गड्ढा किया था मैंने यहाँ पे लीची लगाने के लिए, लीची का पौधा लगाऊंगा यहाँ पे एक, और ये किया हुआ है यहाँ पे। पहले इसके अंदर मैल डालूंगा, खाद जो होगी जैविक खाद वो डालूंगा, और फिर लगाऊंगा लीची के पौधे। एक यहाँ पे लगाऊंगा 2 और एक यहाँ पार वाली तरफ पर, 3 सारे 3 लगाऊंगा यहाँ पे और 3 दूसरी जगह पे। तो अभी देखो हुआ क्या कि अभी मैंने पूरा काम नहीं किया हुआ था, सिर्फ 2 पौधे हमने लीची के लगाए हुए थे, और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। हुआ है कि बारिश लग पड़ी जोरदार और उसके बाद अभी हम काम नहीं कर पा रहे हैं, देखते हैं थोड़ा सा मौसम साफ होता है तो फिर से काम शुरू करेंगे। ज़्यादा पौधे नहीं है, 6 पौधे हैं, 4 पौधे मैं यहाँ पे सोचा कि 4 पौधे इस वाले ज़मीन पे यहाँ पे जो हमारे खेत है वहाँ लगाऊंगा, और 2 और पौधे लेके जाऊंगा अपने जो हमारे घर है वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे लगा के कि चलते हैं पौधे कि नहीं चलते हैं। कोशिश करेंगे कि चल पड़े अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे 2-3 लगाए हैं वो अच्छे से चल पड़े हैं, और कोशिश करेंगे कि ये जो हम आज लगाएंगे ये भी चल पड़े, तो देखते हैं क्या होता है। अभी है बाहर का व्यू और ये एक बर्तन रखा है जिसको हम तसला बोलते हैं, इसमें था मैंने जो जैविक खाद होती है मैल होता है जो पशुओं का गोबर उसकी जो खाद बनती है वो लेके आया था। तो एक पौधा वहाँ उस वाले कोने पर लगाया था मैंने, और ये एक यहाँ जैसे उस वाले कोने पर लगाया था, और एक अभी और यहाँ पर लगाना था बट बारिश हो गई है शुरू तो थोड़ा सा मुझे काम रोकना पड़ा है अभी। और यहाँ पर बारिश की बूंदें किस तरह से पानी हो गया है, बाकी इस तरफ को मैंने पानी लगा भी रखा है अपने खेत में, इस वाले खेत में पानी मैंने वहाँ कूल से लगा रखा हुआ है। और ये हैं लीची के पौधे, 4 पौधे भी बच गए हुए हैं जिसमें से 2 शायद मैं घर लेके जाऊंगा। और ये हैं नींबू के पौधे, यहाँ पे 5 पौधे ये नींबू के हैं, बाकी ये भी घर लेके जाऊंगा। तो बस ये दिन के बज रहे हैं 4 और मैं अब घर जाने की सोच रहा हूँ, पर जाऊँगा कैसे क्योंकि मेरे पास हैं घर ले जाने के लिए साथ में ये 2 लीची के पौधे और इस तरफ को हैं नींबू के 5 पौधे, ये सब लेके जाऊंगा घर। पर बाहर अभी तक चल रही है बारिश
और ये बर्तन अभी बाहर ही पड़ा हुआ है। तो बारिश चल रही है अभी, देखिए इस तरफ को भी पूरा बारिश, पूरे एरिया में बारिश ही बारिश है। और मेरे पास ना तो कोई छाता है ना तो कुछ है,